हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवन टेस्टी फूड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी मोमोज। मोमोज खाना किसे नहीं पसंद होता है, और घर पे या मार्केट जैसा तंदूरी मोमोज बनाकर रेडी भी कर सकते हैं। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग तंदूरी मोमोज की रेसिपी बनाने के लिए। तंदूरी मोमोज बनाने के लिए 200 ग्राम यह मैदा ले लिया। इस पे डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नमक और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैदा को मैंने पहले ही छान के ले लिया है। और मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना के रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट सा डो बन के रेडी है। इसे हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और तेल गर्म होते ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसे हम 10 से 15 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और लहसुन भुनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, इसे भी हमें सब्जियों को सारी कच्चे ही रखनी है हमें, बहुत ज़्यादा इसे सब्जी जैसे नहीं बनाना है। तो लगभग 10 सेकंड हो गया है, और ये देखिए प्याज भी अच्छे से हमारा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया इसका। इस पर डाल देते हैं पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को मैंने यहाँ ग्रेट करके ले लिया, लगभग एक कटोरी है, और अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम और सब्जी ऐड करेंगे, जिसमें गाजर लिया है मैंने, और गाजर को भी ग्रेट करके ले लिया है। तो सब्जी आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। मिला देते हैं अच्छे से, और एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और साथ ही डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक या आधा छोटा चम्मच नमक, और मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है यहाँ पे। और सब्जियों को थोड़ा सा ड्राई करना है और कुछ नहीं, बस इसका जो पानी निकला है सब्जियों में से, बस इसे हमें ड्राई कर लेना है। इस पे हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसमें एक चम्मच डाल रहे हैं हम डार्क सोया सॉस, और एक चम्मच डाल देंगे विनीगर। अगर विनीगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं एक चम्मच, और अच्छे से मिला देंगे इसको। और एक मिनट और अच्छे से इसको ड्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी मिक्सचर ड्राई हो गया है। तो गैस बंद कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे स्प्रिंग अनियन, और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तो मिला लेंगे एक बार। और यहाँ हमने जो मैदा को डो बना के रखा था, तो अच्छे से ये सेट हो गया। इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे और इसे चिकना बना लेंगे। तो इसे इस तरह से निकाल के अच्छे से मसल लेते हैं एक बार, और इसको अच्छे से मसल के चिकना बना लेंगे। अब इसके हम दो पार्ट कर लेंगे इस तरह से, और एक पार्ट को मैं पहले ढक के रख देती हूँ, और इस पार्ट से हम इसकी लोई बना लेंगे। तो थोड़ा सा इस तरह से रोल कर लेते हैं पहले, और हम एक छोटा नींबू का जितना साइज होता है बस उसी हिसाब से इसके बना लेंगे बॉल्स। तो सारे बॉल्स बना लिए हैं मैंने यहाँ पे, और इसे हटा देते हैं। एक बॉल्स रख लेंगे और हाथों में इस तरह से लेके इसे गोल शेप दे देंगे। अब इसे हमें बेल लेना है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डालूंगी सूखा मैदा, और इस पर डस्ट कर देंगे इस तरह से, और इसे पूड़ी आकार में हम बेल लेंगे। तो इस तरह से बेल लेते हैं एक बार। और इसे बेलने के लिए हमें एक किनारे जो इसके हैं वो बिल्कुल पतले होंगे, और बीच से इसको हम मोटा रखेंगे। तो इसे किनारे से होते हुए इस तरह से बेलेंगे पूड़ी आकार का, और किनारों पे इस तरह से हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे बेलन से। देख सकते हैं किनारे पतले हो गए हैं। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो दो चम्मच हम स्टफिंग इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा किनारे लगाएंगे पानी। पानी लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल हल्का करना है। अब इसे हम मोमोज शेप दे देंगे। तो इस तरह से इसको उठाएंगे और एक के ऊपर एक इसी तरह से हम करते जाएंगे। बहुत ही ईजी है, और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो बस एक के ऊपर एक इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो देख सकते हैं बस एक कॉर्नर में आने के बाद इसको अच्छे से चिपका लेना है, और इसको बैक साइड से इस तरह से फोल्ड कर देना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको थोड़ा सा हम इस तरह से दबा देंगे। बस इस तरह से मोमोज का शेप बन के रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे मोमोज हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो थोड़े से मैंने यहाँ मोमोज बना लिया है, चलते इसे तलने के लिए। तो यहाँ गैस ऑन करके रखा था, तेल भी हमारा गर्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है, देख सकते हैं बिल्कुल हल्के बबल आ रहे हैं।
और इसे हम उलट पलट के जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। और देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, लगभग 3 मिनट हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो मोमोज को स्टीम भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इस पे हम डालेंगे एक छोटी कटोरी दही। चम्मच से अगर इसे नापे तो ये लगभग 6 से 7 चम्मच दही है। इस पे हम डाल देंगे 3 चम्मच बेसन, और अगर आप हंकड़ यूज कर रहे हैं तो 1 चम्मच इसमें बेसन ऐड करें। तो 3 चम्मच बेसन ऐड करने के बाद यहाँ आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच डाल रहे हैं जीरा पाउडर। तो यह भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आमचूर पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच। आधा चम्मच डाल रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था उस पर धुआं आने तक, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे 2 चम्मच ऐड किया है। यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे एक बार। तो देख सकते हैं ये रेडी है मिक्सचर हमारा। तो इसमें हम मोमोज ऐड करेंगे, तो सारे मोमोज एक बार में नहीं डालना है वरना ये टूट जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मोमोज डालेंगे, अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो ये प्रोसेस आप हैंड से भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा मैंने स्पेस बना लिया है इस तरह से। अब चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ मैंने कोयला को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, कोयला अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एक रख रहे हैं फॉइल पेपर और इसके ऊपर जलता हुआ कोयला इसमें डालेंगे। तो फॉइल पेपर के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और इसके बाद जो इसमें स्मोक की आएगा फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो जैसे ही स्मोक आने लगे इसको इस तरह से ढक देना है, और इसमें जितने भी ये जो स्मोक निकल रहे हैं हमारे मोमोज में जाएंगे, और बिल्कुल मार्केट जैसा आपको ये फ्लेवर घर पे ही मिल जाएगा। तो बस इसे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है अच्छे से, और लगभग 8 मिनट हो गए, इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आना शुरू हो गया इसमें से। तो इस फॉइल पेपर को पहले हम हटा देते हैं, और ये देखिए मोमोज बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक स्क्वायरल ले लिया है, अब मोमोज को हम इस पर इस तरह से डालेंगे। तो एक बार में आप 3 से 4 इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से डालते जाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 मोमोज को एक बार में ले लिया है, लेकिन थोड़ी दूरी पर रखेंगे इस तरह से। चलते हैं गैस पे, और इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम रखा है मैंने गैस का, और इसे आगे पीछे इस तरह से घुमा घुमा के जब तक इसमें ब्लैक स्पॉट ना आ जाए तब तक इसको इस तरह से पका लेने हैं। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट इसे लग जाएंगे इस तरह से पकने में। तो इसे पका लेते हैं, और देख सकते हैं इसमें ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो गया है। तो ये रेडी है बनके, और इसी तरह सारे मोमोज बना लेते हैं। तंदूरी मोमोज बनके रेडी हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और बनाना उतना ही आसान, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब घर पे भी बहुत ही इजी से आप बना सकते हैं। तो कैसे लगी मेरी आज की ये रेसिपी कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।